बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो मानेंगे लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स। हमें गिवन है कि जो टेंस डिजिट है अदर नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। सो टेंस डिजिट 3 टाइम्स द अदर नंबर दैट इज 3x। हमें वंस यूनिट डिजिट का पता चल गया, टेंस डिजिट का पता चल गया हमें, तो अब हमें क्या निकालना है? इसे नंबर फाइंड आउट करना है। सो नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट यूनिट प्लेस। सो इज इक्वल टू 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस इज 3x प्लस एक्स। सो 10 3 इज 30x प्लस एक्स इज इक्वल टू 31x। तो ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स, इंटरचेंजिंग on interchanging digits therefore unit digit हमारे पास क्या बन जाएगा 3x and tens digit और tens digit जो है हमारे पास क्या बन जाएगा x। So therefore, new number is equal to 10 into digit at tens place plus digit at unit place. So is equal to 10 into डिजिट एट टेंस प्लेस के ऊपर हमारे पास है x प्लस डिजिट एट यूनिट प्लेस के ऊपर 3x इज इक्वल टू 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 13x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में दिया है कि इंटरचेंजिंग द टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अब हमें क्या करना है? ऐड करना है रिजल्टिंग नंबर को। जब हमने डिजिट चेंज किए तो हमारे पास जो नंबर आया उसमें ओरिजिनल पहले वाले नंबर को ऐड करना है, यू गेट 88। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 88। सो 13x प्लस 31x इज इक्वल टू 88। सो दैट इंप्लाइज 44x इज इक्वल टू 88। That implies x is equal to 88 upon 44. 44 ones are 2. 44 twos are 88. So that implies x is equal to 2. So therefore number is equal to 31. X hai hamare paas jo number tha 31 into 2 is equal to 62. Next hai question number 5. Shobo's mother's present age is 6 times the Shobo's present age. Shobo says 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. But their present age, हमें क्या मानना पड़ेगा? Let question number है 5 solution. So let Shobo's present age. That Shobo's present is equal to x years. Shobo's mother's present is, इसमें हमें दिया है कि एज इज 6 टाइम Shobo's present age. कितनी है ये? 6 टाइम है Shobo की present age की, तो 6x years.
आफ्टर फाइव इयर्स शोबो सेज एक्स प्लस फाइव इयर्स एंड शोबोस मदर सेज Shobo's mother says is equal to 6x plus 5 years. According to question, इसमें दिया हमें कि after 5 years, the Shobo's age will be 1/3 of his mother's present age. जो Shobo की 5 साल के बाद जो Shobo की एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी. तो आफ्टर 5 इयर्स शोबोस प्रेजेंट एज इज एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. मदर्स की प्रेजेंट एज क्या है? 6x है. सो 3 1 3 3 2 6 सो दैट इंप्लाइज एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2x और दैट इंप्लाइज ट्रांसपोजिंग 2x टू द राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स -2x इज इक्वल टू -5 transposing 5 to the right hand side. So that implies minus x is equal to minus 5. So that implies minus minus cancel, x is equal to 5. So therefore Shobo's present is equal to 5 years and Shobo's mother's present is equal to 6 into 5, 30 years. Next I have question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio of 11:4 at the rate ₹100 per meter. It will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. But are the dimensions of the plot? तो हमने यहाँ से dimensions निकालने हैं plot के. हमें ratio given है. Question number 6. Net length of plot is equal to x. हमें ratio दी है 11. रेशियो 4, सो 11x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 11:4 है रेशियो, तो 4x मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 11 प्लस 11x प्लस 4x, so is equal to 2 into 15x is equal to 30x meter. तो हमारे पास जो है पेरीमीटर क्या आ गया 30x मीटर के इक्वल आ गया हमारे पास ये. सो नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 meter. सो नाउ गिवन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 meter is equal to ₹100. So therefore, cost of fencing 30x meter is equal to 100 into 30x is equal to 3000x meter. Rupees जो हमारे पास कितने आ जाएंगे? ₹3000x. This is equation number 1. But total cost of fencing is equal to ₹75,000. इसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. हमारे पास कॉस्ट ऑफ जो है फेंसिंग 30x, क्योंकि हमारे पास जो है प्लॉट का जो पेरीमीटर है वो कितना है 30x मीटर है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द जो प्लॉट है उसको हमारे पास कितनी कॉस्ट लग रही है 75,000 फ्रॉम 1 एंड 2.
इक्वेशन नंबर वन एंड टू में हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। फ्रॉम वन एंड टू दिस इज 3000x इज इक्वल टू 75,000। सो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 75,000 अपॉन 3000। 3000 से 30 से 30 कैंसिल, 7 2 6, 3 5 15। हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास x इज इक्वल टू 25 मीटर। सो देयरफॉर हमने डाइमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 इंटू 25, 11 5 55, कैरी 5, 11 2 22 27, 275 मीटर। नेक्स्ट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की ब्रेथ क्या आ जाएगी हमारे पास, इसमें हमें दिया है इज इक्वल टू 4x। सो 4 × 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। बच्चों कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, थैंक यू।